हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल में। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरा ब्लॉगिंग कुछ खास मतलब से है दोस्त, और आप लोग जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। किसी को खाने जीने दीजिए, क्योंकि सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबका अपना लाइफ है। तो दोस्त, वीडियो देख देख के होता है दिमाग ख़राब। कौन आज के ज़माने में कोई किसी का भला नहीं चाहता। और दोस्त, आजकल वीडियो देख देख के आप लोग तो देख ही रहे हैं यूट्यूब पे क्या चल रहा है आजकल। पहले का क्या था कि यूट्यूब पे लोग भरोसा करते थे, विश्वास रखते थे कि अरे आज ये हो गया उनके साथ, आज हो गया। आधा तो यहाँ यूट्यूब पे, आधा से ज़्यादा समझ लो सच्चाई कुछ भी नहीं रह गया। आजकल किसी के साथ अगर अच्छा बुरा भी होता है ना, तो यूट्यूब पे कोई मानने के लिए राजी नहीं होता। अक्सर विश्वास ख़त्म हो गया है यूट्यूब पर से, और विश्वास भी ख़त्म हो गया और इंसानियत भी ख़त्म हो गई एक दूसरे को। क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है, एक दूसरे को कोई कमाने खाने नहीं देता। उसकी गरीबी, उसकी परेशानी, उसकी अमीरी भी इंसान नहीं समझता, लेकिन उसकी गरीबी, उसकी हर चीज़ का फ़ायदा उठाने में अगर जिसको देखेंगे, गरीब है, कैसे कमा खा रहा, कैसे आगे बढ़ रहा, लेकिन उसको ऐसा करेंगे कि कैसे ये नीचे गिर जाए। आज का ज़माना ऐसा चल रहा है। जैसे कि ये वीडियो मेरा राधा राज पे, कितना मेहनत करती है सब लोग जानते हैं। बेचारी बच्चे छोड़ छोड़ के, पता है वीडियो बनाना मामूली बात नहीं होती, आसान बात नहीं है। लेकिन हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, हम लोग को पता है उसकी परेशानी। मरते रहते, बीमार रहते तो भी वीडियो बनाते हैं कि हमारा चैनल बैठ जाएगा। मेरे को 3rd साल हो गया चैनल बनाए, 3rd साल चल रहा है, लेकिन मैंने कभी अपने चैनल को गौर से ध्यान दिया नहीं, तो अब तक मैं कहाँ से कहाँ होती। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं चैनल के पीछे नहीं भागती, समझे, पहले भी नहीं भागती थी, आज भी नहीं भागती हूँ, चले या ना चले। एक मेरा ये शौक था, चैनल चलाती हूँ, शौक में ही चलाती हूँ। लेकिन क्या करे, ये भी एक टाइम पास है। और जो रेगुलर इस पर काम करते हैं, सिवा ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है, शांत बैठने वाला नहीं, नीचे उतर के पकड़ के बच्चा पकड़ लिया है। भाई ठीक से बैठ। तो दोस्त हैं, किसी को आप सबसे, हमारे यूट्यूब परिवार से, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी है ना, चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कोई किसी के मामले में मतलब किसी को स्ट्राइक ना मारे, किसी का चैनल डिलीट ना करवाए, किसी के मैटर में ना पड़े। क्योंकि जब चैनल डिलीट होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। अगला इतना मेहनत किया था, और कैसे कैसे लोग हैं धरती पे, भगवान जाने। अरे इंसान से ना डरो, लेकिन ऊपर वाले से तो डरो, क्योंकि भगवान के लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, ठीक है ना। थोड़ी दिन के लिए इंसान खूब उड़ता है, सोचता है कि हम ही बड़े हैं, आप लोग बड़े नहीं हैं, ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है ना। और आप लोग जो कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। मेरा ये खास वीडियो, ये मैं देखी हूँ वीडियो देख के, तब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी इतना मेहनत करता है, उसकी हर पल पल की वीडियो देखो, वो कितनी मजबूर थी, कितनी परेशान थी, कितना क्या की बेचारी, कितना संघर्ष की है कि पूछो मत। हम तो फिर भी अपने घर में बैठ के, हमारे साथ जो भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हम फिर भी अपने घर में अपने माँ बाप के यहाँ बैठ के रोटी खा रहे हैं चैन से। उसका तो बेचारे का घर भी नहीं था जब वो बेचारी घर से निकाल दी गई थी, लेकिन पता नहीं वो इंसान नहीं होगा, वो पत्थर होगा, जो इंसान को इंसानियत नहीं समझता है, जो इंसान की तकलीफ नहीं देखता है। पता नहीं क्या है ज़माना आजकल, क्या ज़माना है भगवान जाने। तो हम दोस्त आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बेटा उधर मत बैठो, कि किसी के चैनल मत डिलीट कराओ, किसी के पेट पे लात मत मारो, नहीं तो ऊपर वाला भी आप सबके पेट पे जब लात मारेगा ना, तो कहीं का नहीं रह जाता। इंसान मारता है तो वो इंसान कहीं ना कहीं से जी लेता है, खा लेता है, लेकिन क्या होता जब भगवान मारते हैं ना, तो कहीं का भी नहीं होता, ठीक है ना। कहते नहीं हैं धोबी का कुत्ता ना घर का हुआ ना घाट का हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग वही कहते हैं, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलत फहमी मत पालो, गलत फहमी में मत रहो, किसी के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि सबकी लाइफ है, सबकी ज़िंदगी है, सबको कमाना खाना है, अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है आजकल, इंसान का भी कोई भरोसा नहीं है।
कब कौन से मोड़ पे कैसा मतलब समय आएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। इसलिए हर किसी को अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। शिवा, ये मेरा एक शैतान लड़का है, स्टैंड ही पकड़ के खड़ा हो रहा है, बताओ इसमें कितना दम है कि लेके उलट जाएगा अभी। है चूहा, जाओ उधर, जाओ उधर खेल लो, जाओ, नहीं जाएगा दोस्त, नहीं जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे क्योंकि मेरी तबीयत भी आजकल देख रहे हैं ठीक नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ फिलहाल अभी। और खैर क्या करूँ, चैनल की वजह से बीमार भी रहती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ, क्यों, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है, अब ये मेरी रोजी रोटी बन चुकी है क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मेरी ये रोजी रोटी है। मैं इस रोजी रोटी से मैं अपने बच्चों को पालती हूँ, अपना पेट पालती हूँ, ठीक है, और मेरी एक पहचान है इससे, और मेरी पहचान इस चैनल से है क्योंकि मुझे इससे लाखों लोग जानते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो दोस्त, आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया आप लोग किसी के साथ चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो या छोटे हो, किसी के साथ अन्याय ना कीजिए। बेटा दोस्त वीडियो बनाने नहीं दे रहा है, एंड कर दे रहा है।